दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्किन एलर्जी होने पर कैसे आप इसका उपचार कर सकते हैं और कैसे आप बचाव कर सकते हैं। आइए वीडियो शुरू कर लेते हैं। नमस्कार, आप सभी का चैनल ज्ञानदीप में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बारिश के मौसम में स्किन से जुड़ी कई प्रकार की समस्याएं देखी जाती है। कुछ लोगों को स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है। इसको अगर लापरवाही में रखेंगे तो ठीक नहीं रहता है। स्किन एलर्जी के लक्षण, बचाव और इसके उपचार आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले गौर करते हैं मुख्य लक्षण पर। लाल दोस्तों चकते हो जाते हैं, खुजली हो जाती है, सूजन, उभरी हुई त्वचा, गांठ बनना, त्वचा पर पपड़ी जमना, इस तरह की एलर्जी आपको देखने को मिल सकती है। अब इसका बचाव क्या है उस पर भी गौर करते हैं। दोस्तों, शरीर पर पसीना जमने नहीं देना है। दूसरा, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। नेक्स्ट है, बारिश के पानी से बचना चाहिए। अब दोस्तों, इन बातों पर आपको जरूर से ध्यान रखना है जो कि वीडियो के अंदर में अब आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको नीम की पत्तियों को पानी में उबाल लेकर फिर आपको इस पानी से नहाना है। दोस्तों, नीम के पत्तों में एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो कि एलर्जी को ठीक करने का काम करते हैं। दूसरा ये है कि आप नीम के पत्ते अगर आप यूज़ नहीं कर पा रहे तो ऐसे में आप नीम के पत्तों से बने साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी नीम के साबुन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा उपचार, दोस्तों आप नारियल का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि नारियल के तेल में एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो कि त्वचा से संबंधित रोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। रात को सोने से पहले आप स्किन पर नारियल का तेल लगा सकते हैं। ऐसा रोज करने से आपको फायदा मिलेगा, स्किन पर खुजली वगैरह से भी आपको आराम मिलेगा। नंबर 4, नींबू का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं क्योंकि नींबू के अंदर एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो कि स्किन एलर्जी से आपको काफ़ी राहत देते हैं। नींबू के रस को दोस्तों एलर्जी पर लगाकर कुछ देर के लिए आप छोड़ दें, उसके बाद में आप नहा सकते हैं। दोस्तों, सब उपचार को कर आप स्किन की एलर्जी से राहत पा सकते हैं, लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आप स्किन पर एलर्जी ज़्यादा देख रहे हैं या फिर आप ज़्यादा परेशान हैं तो बिना देरी किए डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। नमस्कार।